झारखंड की 4 सीटों पर हुए मतदान बेहद रोचक और चौंकाने वाला परिणाम लेकर आएगा। इस बीच हम बात कर रहे हैं लोहरदगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र का, जहां पर फाइनल सर्वे रिपोर्ट लगभग आ गया है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं आपको लोहरदगा लोकसभा का चुनाव कौन जीत रहा है। लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी से समीर उड़ाव, कांग्रेस से सुखदेव भगत और निर्दलीय चमरा लिंडा चुनाव मैदान पर थे। चुनावी माहौल जब शुरू हुआ तो भंडरा की रैली ने सबकी नींद हराम कर दी थी। चमरा लिंडा अपनी रैली में लगभग 1,00,000 लोगों को लाने में सफल हुए थे और यह तय माना जा रहा था कि इस बार लोहरदगा लोकसभा का चुनाव चमरा ही जीतेंगे। उनकी भीड़ को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने भी उन्हें समर्थन देने का जगह जगह में ऐलान कर दिया था। इससे तो और चमरा लिंडा की जीत की दावेदारी प्रबल हो गई थी। हालांकि ईसाई समुदाय अपने संकल्पों पर तटस्थ रहे और उन्होंने इस बात पर चुप्पी साधी रही कि इस चुनाव में वह किसे समर्थन देगी। इधर चमरा लिंडा के चुनाव मैदान में आने से भाजपा भी अपनी जीत को लेकर थोड़ी क्लियर दिख रही थी, क्योंकि पिछले दो बार लोहरदगा लोकसभा चुनाव में चमरा लिंडा की उपस्थिति के कारण भाजपा को जीत हासिल हुई थी। इसलिए इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चल रही थी कि इस चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है, कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और लग रहा था कि कांग्रेस इस बार चुनाव में तीसरे नंबर पर होगी। लेकिन चुनाव से ठीक 2 दिन पहले समीकरण ऐसा बदला कि कांग्रेस पार्टी जो 3 पर थी वह 1 नंबर पर आ गई। इसका प्रमुख कारण चमरा लिंडा का वोट बिखराव और मुस्लिम समुदाय का वोटों का एक जुटता मुख्य रूप से बताया जा रहा है। जगह जगह में चुनाव संपन्न होने के बाद यह चर्चा आम हो गई है कि चमरा लिंडा के वोट का बिखराव हो गया है और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी की तरफ टर्न हो गई है। वहीं ईसाई व मुसलमानों ने एक मुफ्त कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत को जीत दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया, क्योंकि अब चुनाव संपन्न हो गया है। लोग जगह जगह में कयास लगा रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन कितने नंबर पर होगा। जीएन भारत के प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट तो यह बताता है कि लोहरदगा लोकसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है और लिंडा 3 नंबर पर होंगे। विश्वासी सूत्रों की माने तो चमरा लिंडा के मतदाताओं का बिखराव का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस की पलरा भारी दिखाई दे रही है। लोहरदगा लोकसभा में जीत का मार्जिन भी बहुत कम वोटों से होगा। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की, जग्गा मुंडा, बंधु तिर्की ने कड़ी मेहनत की है, उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि लोहरदगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कांग्रेस की झोली में जाना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की धड़कन में तेजी है। जनता जनार्दन की कृपा हुई तो भाजपा की झोली में भी यह सीट जा सकती है। अंतिम फैसला तो 4 जून को ही दिखाई देगा। जनता किसे सिंहासन पर बिठाएगी और किसका राज्याभिषेक करती है, यह तो देखने लायक होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।